हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स ऑफ द नेक। तो आप पहले सबसे पहले जो है ना मेंडिवल बोन बना लेना, ठीक है। मेंडिवल प्रेशर बना लेते हैं अपन, मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों हुआ मेस्टोइड प्रोसेस। फिर एक मसल अपन ऐसे बनाएंगे स्टर्नोक्रेनोमेस्टॉइड, ठीक है। फिर एक अपन बोन बनाएंगे जो बन हो गई हाइवर्ड बोन। फिर एक मसल ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ये मसल हो गई डाइगेस्ट्रिक, डाइगेस्ट्रिक मसल। एक मसल अपन ऐसे बनाएंगे ये वही होमो हाइवर्ड मसल। तो अब जो ये वाला ट्राइंगल बना है इससे बोलेंगे ये वाले जो बने ना ये वाले दो ने सब मेंटल ट्राइंगल जो ये बना है बोलेंगे सब मैंडिबुलर ट्राइंगल या डाइगेस्टिक ट्राइंगल। ये जो बना है ये डाइगेस्टिक, और यहाँ पे एक और मसल बनाना है अपन को स्टाइलो हाइड। तो ये जो ट्राइंगल होना है इससे बोलेंगे कैरोटिड ट्राइंगल, इससे बोलेंगे मस्कुलर ट्राइंगल। ये पूरा इंटीरियर ट्राइंगल है, ये पोस्टीरियर ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल में ऊपर वाला ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, और ये वाला है सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल। नीचे बोन बनाना है अपन को क्लेविकल, तो थोड़ा सा जाएगा स्कैपुला का पार्ट। ये डायग्राम आया समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे, ये बना दिए अपन ने दो मैंडिबल ऐसे, नहीं सॉरी ऐसे, ये बना दिए अपन ने मैंडिबल। एक बना दिए अपन ने हाइब्रिड बोन। फिर जो अपन ने बना दी डाइगेस्टिक, इसके हिसाब से अपन ने बना दी स्टाइलो हाइड। मिडिल लाइन को बढ़ा लो, ये वही क्लेविकल, ये थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा इसके पूरा का। पीछे बनाना मेस्टोइड प्रोसेस, जैसे मसल बना देना है मुझे बनाना है स्टर्नम, स्टर्नोक्रेनोमास्टॉइड। एक बोन ऐसे बनाना है होमो हाइड। तो देखो ये पहला ट्राइंगल सबमेंटल ट्राइंगल, ये बना डाइगेस्टिक ट्राइंगल, तीसरा कैरोटिड ट्राइंगल, चौथा मस्कुलर ट्राइंगल, पांचवा ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, छठा सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल, ठीक है। अब अपने से पढ़ेंगे डाइगेस्टिक ट्राइंगल या सबमेंडिबुलर ट्राइंगल। इसमें है ना इसकी बाउंड्री देखो ऊपर हो गई मैंडिबल, ये हो गई एंड स्पीड वैल्यू ऑफ होमो है इधर आ गई स्टाइलोइड और डाइगेस्ट्रिक, यह आप लिख लेना बाउंड्री। फिर है इसकी कंटेंट, इसकी कंटेंट में आपको लिखना है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो इसके कंटेंट, डाइगेस्टिक के कंटेंट में अपन बताएंगे कि ना सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर सलाइवली ग्लैंड, फिर फेसियल आर्टरी, फेसियल वेन या फेसियल वेसल, ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व, ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, डाइगेस्टिक का कंटेंट है और कैरोटिड का भी कंटेंट है। वे अपन लिखेंगे नर्व टू माइलोआयोड, ये मसल होती है माइलोआयोड इधर, तो माइलोआयोड के लिए नर्व जाती है और एपेक्स ऑफ कैरोटिड ग्लैंड, कैरोटिड ग्लैंड का एपेक्स आता है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कंटेंट ऑफ कैरोटिड ट्राइंगल, बाउंड्री आप पढ़ लोगे, कंटेंट देखो। कंटेंट ऑफ कैरोटिड ट्राइंगल, कंटेंट ऑफ कैरोटिड ट्राइंगल में हमें याद रखना है ना ये आती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये C4 के लेवल पे, ये अपन बोलेंगे C4 ग्रेटर देन C3, मतलब अधिकतर केसेस में C4 के लेवल पे और कुछ केसेस में C3 के लेवल पे ये डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
ट्री में। इंटरनल कैरोटिड ऐसे चलती जाएगी और एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांच दे देती है, 8 ब्रांच देती है, इसमें से 5 ब्रांचेस कैरोटिड ट्राइंगल में पाई जाती हैं। फिर अपन ने इसमें पढ़ी 12th, ये हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो बाइपोलर क्रिएट हो जाएगी, 12th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, जो कि अपन ने वहाँ पे पढ़ा था ना कैरोटिड सीट का कंटेंट वो लिखना है। इंटरनल जुगलर वेन पढ़ी थी, फिर वेगस, वेगस जो आती है इसकी सुपर ये ऐसे आती है वेगस, देखो वेगस ऊपर आती है ऊपर से, ठीक है, वेगस आ रही है इधर से ऊपर देखती है वो सुपर फिशियल नहीं सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, सुपर फिशियल लेरेंजियल नर्व। अब इसके भी दो हो जाते हैं, सुपर फिश लेरेंजियल नर्व के दो होते हैं, कौन कौन से, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल लेरेंजियल और इंटरनल लेरेंजियल। एक्सटर्नल लेरेंजियल और इंटरनल लेरेंजियल, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया इंटरनल जुगलर वेन होता है कंटेंट में, ठीक है, वेगस नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व और सुपर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व रहती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ये दोनों भी कंटेंट में आते हैं। और एंसर सर्वाइकलिस होता है और सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्लोर ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल की फोल फ्लोर में क्या क्या आता है। तो इसको इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रक्टर, फिर हायोडोलोन से टंग तक एक मसल जाती है हायोग्लोसल, और फिर हायोइड बोन से थायरॉइड तक एक मसल जाती है थायरो हायोइड मसल, ये हमें याद रखना है। देखो ये कैरोटिड ट्रायंगल है, इस मसल आएगी जो हायोइड से नीचे जाएगी, मतलब थायरो हायोइड, ठीक है, थायरॉइड से जो टंग में जाएगी थायरोग्लोसस, ठीक है, और मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर इसकी फ्लोर बनना जान देंगे। और अपन को याद करना है फ्लोर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रायंगल, ठीक है। तो फ्लोर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रायंगल कौन कौन बनाता है, मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर, हायोग्लोसस इधर भी आ रही है, माइलो हायोइड। तो देखो मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर हायोग्लोसस और कैरोटिड की कौन कौन बना रही थी, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रक्टर, हायोइड से नीचे वाली थायरो हायोइड और एक और थी ग्लोसस वाली हायो ग्लोसस, ठीक है। तो ये हो गई कैरोटिड ट्रायंगल, डाइजेस्टिव ट्रायंगल, ये बहुत है।